तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में आपके डिमांड पर आपकी समस्या का समाधान लेकर आए हुए हैं आपके भारी कमेंटों के बाद क्लास टेंथ हों चाहे वो क्लास ट्वेल्थ हो यूपी एम एस पी पे यानी यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर न्यू पैटर्न पर आधारित जो मॉडल पेपर जारी किया है जिसमें आपके बीस ऑप्शनल एम सी क्यू रहेंगे ठीक है उसका पूरा मॉडल पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ठीक है और आपके एक ख़ास बात यह है कि आपके बोर्ड कॉपी में ये सॉल्व होगा मेरे दोस्तों किस कॉपी में बोर्ड कॉपी में देख रहे हैं ना आपको यही कापी आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है तो जो बच्चे क्लास टेंथ में हैं या जो आपके ट्वेल्थ में जाएंगे इस बार यानी ट्वेल्थ में जो आप परीक्षा देंगे वो अभी इस कॉपी के नहीं देखे हैं तो किस तरीके से आपकी कॉपियाँ मिलती हैं एग्जाम में वो आप यहाँ देख लीजिए आपको कैसे भरना है आप अपने एग्जाम में गलती ना करें ठीक डिप्रेशन में ना हो को पहली बार चलेंगे तो कॉपी किस तरीके से मिलेगी किस तरीके से भरने के लिए आएगा क्या कुछ करना पड़ेगा आप यहीं पे देख सकते हैं इसके माध्यम से तो दोस्तों तो यहां देखे इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने बोर्ड की कॉपी को और ये जो पेपर आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है इसी पेपर को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में ठीक है और हिंदी से लेकर आपके सभी सब्जेक्ट चाहे वो आर्ट के स्टूडेंट हो चाहे वो साइंस के हो चाहे वो टेंथ के हो चाहे वो ट्वेल्थ के हो तो अपने मित्रों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो बच्चे बोर्ड की कॉपी को नहीं देखे हैं या हमारे द्वारा जो जितने भी मॉडल पेपर हैं वो अगर सॉल्व करके आप सभी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप को आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलने वाली है दोस्तों सारा सल्यूशन हम देंगे बस आपको तैयारी करना है बस ठीक है तो देखो आपको क्या क्या भरना है जैसे एक बोर्ड कापी मैंने अभी इंग्लिश का पेपर इंग्लिश का पेपर का सोल्यूशन बोर्ड कापी द्वारा जो दिया गया था कल मैंने अपलोड किया था पिछले वीडियो में आप जाके वीडियो में होम पेज पर देख सकते हो वहाँ पे है ये क्लास टेंथ का है इसका भी सोल्यूशन अपलोड कर दिया गया दोस्तों ठीक है तो देखो आपको इस कापी में क्या आपको ऐसे ब्लैंक कापी मिलेगी खाली कापी और भरना क्या है ये पहले में आपको रोल नंबर दस अंकों का मिलेगा ठीक है जैसे यहाँ पे देखो मैंने दस अंकों का रोल नंबर भरा है फिर दूसरे में अनुक्रमांक अंकों में पहला अंकों में भरना है फिर दूसरा अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपको शब्दों में भरना है शब्दों में कैसे भरना है यहां दो है तो दो शब्दों में लिखो चार है चार लिखो पांच है पांच लिखो छः है छः लिख देना है आठ है आठ लिख दो फिर उसके बाद फिर तीन आपको लिखना है फिर दो लिखना है इस तरीके से आपको लिख देना है ठीक तो चलो एक रोल नंबर हम यहां पे भरते हैं इस कॉपी में देखिए पहले यहां पे जैसे हमारा रोल नंबर है मान लीजिए दस का दो चार पाँच ठीक है आठ तीन दो जीरो एक पांच ये आपके दस डिजिट का रोल नंबर मिलेगा ठीक है इस बार भी दस डिजिट का ही रहेगा दोस्तों याद रखना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस डिजिट का हो गया अब आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखना है शब्दों में देखिए यहां पे दो है तो दो लिख दो फिर चार है चार लिख दो शब्दों में पांच है तो पांच लिख दो शब्दों में दोस्तों फिर छह है छह लिख दो शब्दों में फिर आठ है आठ लिख दो यहां पे, फिर आपको तीन लिखना है फिर आपको दो लिखना है फिर आपको शून्य लिखना है ठीक फिर एक लिख दो यहाँ पे थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं एक छोटे छोटे अंक में लिखना ताकि यहाँ पे इतने में भर जाए हाँ, इतने में हो जाए ये नीचे लिखने की जरूरत न पड़े एक फिर आपको पांच लिख देना है यहाँ पे ठीक उसके बाद विषय ये विषय जो है मैंने हिंदी सॉल्व कराया है दोस्तों तो यहां पर आपको विषय में हिंदी डाल देना है हिंदी डाल देना है फिर प्रश्न पत्र प्रश्न पत्र केवल एक एक प्रश्न पत्र होता है दोस्तों तो आपको लिखना है खंड केवल प्रश्न पत्र ध्यान देना यहां पे लिखना है केवल प्रश्न पत्र ठीक है उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक अंकित संकेतांक जो भी प्रश्न पत्र आएगा दोस्तों उसमें आपका संकेतांग लिखा रहेगा देखिए कैसे प्रश्न पत्र मिलेगा संकेतांग को हम आपको दिखा देते हैं ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएं। देखिए, ये आपका जैसे इंग्लिश का है संस्कृत का है ठीक है ये भी संस्कृत का है हमारे पास ढेर सारे पेपर 2020 का ये आपको दिखा रहे हैं सामाजिक विज्ञान है हिंदी जैसे देखो हिंदी का है ये हाँ ऐसे पेपर आपको मिलेगा यूपी बोर्ड द्वारा और ये आपका हिंदी है तो ये जो आपका ब्लैंक से लिखा है आठ सौ एक ए बी यही संकेतांक है तो आपको ये लिख देना है यहाँ पे आठ सो एक कोष्टक में ए बी उसके बाद परीक्षा का दिन आप किस दिन परीक्षा दे रहे हो तो मान लो दिन जो है सोमवार का पड़ेगा तो यहां पे सोमवार लिख देना है ठीक है यहाँ पे सोमवार लिख देना है फिर परीक्षा तिथि ठीक है उसके बाद दोस्तों देखिए आपको परीक्षा तिथि और पाली तो परीक्षा तिथि में आपको लिखना है जो भी परीक्षा हो मान लेते हैं चौबीस मार्च से होगी तीसरा महीना दो हजार तेईस से स्टार्ट होगी परीक्षा पाली आपकी प्रथम पाली होती है तो यहां पे डैश करके प्रथम पाली लिखना है ठीक है प्रथम पाली उसके बाद केंद्र का नाम आप जिस केंद्र में दोस्तों परीक्षा दोगे उस केंद्र दो का नाम यहां पे लिखना है ठीक है यहां पे उस केंद्र का नाम भर देना है, तो आपको कुल अंक भरना है। एक एक दो तीन चार पांच पे मोहर लगी होती है और कापी नंबर भी लिखा होता है ठीक है तो दो चीजें यहां पे अधूरा है मोहर जिस स्कूल में आप परीक्षा देंगे उसकी मोहर होगी और कापी नंबर होगी क्योंकि तो वही हु एकदम, एकदम ऐसी कापी आपको मिलने वाली है ठीक है अब चलिए पेपर का सलूशन करते हैं दोस्तों ये जो पेपर है 2022 का इसका भी सलूशन हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे ठीक है अगले वीडियो में इसका भी आपको सलूशन मिलेगा इस पूरे पेपर का सलूशन अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा बस इसमें आपका एक ये जो मॉडल है ना सेम पेपर ऐसे ही रहेगा बट उसमें पहले ऑप्शनल पांच प्रश्न थे अब ऑप्शनल आप आपको बीस प्रश्नों के श्रृंखलाएं मिलेंगी दोस्तों ठीक है अब बीस्ट हो गया अब नंबर खींचना आसान हो गया बच्चों को और सारे नंबर नाइन्टी फाइव परसेंट गेन करेंगे बच्चे ठीक है तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं देखिए ये यह है यहाँ पे पहले जो दिए होते हैं पेपर में निर्देश प्रारंभ के पंद्रह मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं ठीक है पत्र दो खंड अ तथा खंड ब में विभाजित होता है प्रश्न पत्र के खंड में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करना ओ एम आर सीट पर नीले अथवा तो काले बाल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काले करें यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ओ एम आर जो सीट मिलेगी आपको या तो नीले पेन से या फिर काले पेन से तो आप काला ले जाइएगा नीला मत ले जाइएगा क्योंकि तो नीला में भी दोस्तों कई नीले आते हैं तो जिस नीले से हम लिख रहे हैं ये भी ले सकते हो तो बाल पॉइंट जेल से नहीं लिखना है जेल से आपको नहीं लिखना है काले बाल पॉइंट पेन से आप ले जाइए डार्ट पेन ले जाइए काला ले जाइए ज्यादा बेटर होगा ठीक है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न पत्र के एक अंक निर्धारित किए गए हैं यानी अगर आप बीसों ऑप्शनल आप, आप कर सही कर लेते हैं दोस्तों तो आपको बीस अंक यहां से ही प्राप्त हो जाएंगे प्रश्न पत्र अ के प्रश्नों को करने हेतु एक घंटा तथा ब के करने हेतु दो घंटे निर्धारित होते हैं ठीक है अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न की श्रृंखलायों को देखते हैं बहुविकल्पी में बीस पूर्णांक होता है बाकी आपका पचास होता है जो आपका ब नंबर है ठीक है अब देखो दोस्तों बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं तो याद रखना दोस्तों बाबू गुलाब राय जो है ये देख रहे हैं ना शुक्ल युग के लेखक हैं यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है आगे देखो ये अब देखो मैंने अपने कॉपी में भी यहाँ पे लिखाया है ठीक है हमारे ऑफलाइन के बच्चे इसे सॉल्व किए हैं तो याद रखना दोस्तों ये हमारे ऑफलाइन के बच्चे जो हमारी कोचिंग चलती हैं वहां पे इसके ऑफलाइन के बच्चे सॉल्व किए हैं ठीक है तो आगे बढ़िए आगे देखते हैं अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों चिंतामढ़ी किस विद्या की रचना है तो याद रखना चिंतामढ़ी दोस्तों निबंध विद्या की रचना है किसकी है निबंध विद्या की रचना है आगे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीन अब प्रश्नोत्तर संख्या तीन में आते हैं गबन किसकी रचना है तो याद रखना गबन दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की रचना है जो कि यहाँ पर देखिए लिखा है मुंशी प्रेमचंद की रचना है इस तरीके से आपको भी लिखना याद रखना ठीक है आपको आ, ये जो ऑप्शनल है ये तो कापी में ऐसे बता रहे हैं लेकिन आपको ओ एम मिलेगी वहाँ पे ओ एम में गोला भरना पड़ेगा ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा ठीक है आपको शीट पर गोला भरना पड़ेगा तो इसमें आपको नहीं लिखना है हम यहां पे आपको दिखा दे रहे हैं बस ठीक है अब देखो आगे अब यहां पे क्या है अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन चौथा नंबर शुक्ल युग की समयावधि है शुक्ल युग की कितनी समयावधि है उन्नीस सौ निन्यानवे से उन्नीस सौ अड़तीस तक है ठीक है नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है दोस्तों तो याद रखना नील का जो निर्माण है वो आत्मकथा की रचना है किसकी है आत्मकथा की रचना है आगे देखिए प्रिय प्रवास किस युग की रचना है तो द्विवेदी युग की रचना होती है प्रिय प्रवास मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों तो मधुशाला याद रखना दोस्तों यहाँ पे मधुशाला सातवां नंबर क्वेश्चन है देखिए मधुशाला यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मधुशाला हरिवंशराय बच्चन ये है ना हरिवंशराय बच्चन की रचना है भारत भारती किसकी रचना है तो दोस्तों भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है देख रहे हैं ना ये सारे चीजें लिखी हुई हैं अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है नौ नंबर नौ नंबर आधुनिक काल कब से कब तक है तो याद रखना सन उन्नीस से अब तक मतीराम युग किस युग तो के कवि हैं तो रीतिकाल के मथिराम युग के कवि हैं ठीक है थीके? अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ग्यारह नंबर दोस्तों ग्यारह नंबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहां देख रहे हैं हरास रास रस की स्थाई भाव क्या है रास रास होता है रास ठीक है आगे देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील सैलप आप प्रकाश परोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों रोल रोला छंद कुल कितने चरण है तो याद रखना रोला छंद में चार चरण होते हैं आगे देखिए आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया आ का ठीक है प्रत्यय के कितने भेद हैं छह भेद हैं दोस्तों पीताम्बर में कौन सा समास है तो याद रखना दोस्तों पीताम्बर में जो है कर्मधारय समास आंसू का तत्सम रूप क्या है आ शुरू होता है ठीक है चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 18 नंबर दोस्तों 18 नंबर यण संधि का सूत्र क्या होता है इको यणची इको यणची यण संध का रूप होता है फलस शब्द का वचन एक विभक्ति है कौन ही खष्ठी विभक्ति एक वचन ठीक है अगला है अपटत धातु का वचन एवं पुरुष है क्या दोस्तों प्रथम पुरुष एक वचन है ठीक है अब चलिए खंड ब में चलते हैं खंड ब में आ जाते हैं बहुत धमाकेदार वापसी हुई है एक बार दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है जरा ध्यान देना सब लोग जब काँपी लेना तो ये बाई और लाइन पारना आपको दाहिने और लाइन नहीं पारनी है याद रखना दोस्तों बाई और लाइन पारना है और और जब इधर पलटेंगे ना तो ऐसे तो यहाँ पे नहीं लाइन पारना है आपको इधर पारना है जिस तरफ काँपी को मोड़ा जाता है उसी तरफ लाइन पारा जाता है इस चीज़ को विशेष गौर करना आगे देखो खंड ब में कौन से क्वेश्चन है देखो खंड ब वर्णात्मक प्रश्न पचास अंक के हैं दोस्तों ठीक है इसको भी देख लेते हैं देखो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर तो यहां पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है और गद्यांश के लेखा अंश की व्याख्या करना है और आपको और आपको लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं ये आपको लिखना है तो चलिए पहले उत्तर की देखते हैं देखो इसमें पहला है यदि कोई बात नहीं याद याद रखना एग्जाम में आपको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में लिखना यदि कोई बात नहीं डाट डाट डाट, डाट लास्ट में देखता था यहाँ पर देखो आपको लिखना है यदि कोई बात नहीं यदि कोई बात नहीं डाट 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 लास्ट में देखता है ठीक है देखता है ये आपको इतना लिखने उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है ठीक है क्या लिखना है संदर्भ संदर्भ लिखना है तो इसका देखो संदर्भ लिखने के लिए आता गद्यांश का ये गद्य है गद्य का प्रस्तुत गद्यांश ध्यान देना दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं तो ये संदर्भ हो गया अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं देखो इसी इसकी व्याख्या में इसकी अगर व्याख्या करोगे गद्यांश की व्याख्या क्या व्याख्या में क्या लिखना है तो दोस्तों इसकी व्याख्या में आपको लिखना है यदि कोई बात कहने वाली नहीं है कि कोई सुंदर आदमी किसी सुंदर आदमी से ही मित्रता करे या हो सकता है समाज में विभिन्नता देख कर लोग एक दूसरे से दोस्ती करें करते हैं जैसे कोई अच्छा आदमी किसी सुंदर महिला को देखकर आकर्षित होता है तो ये इसकी व्याख्या हो गई अब इसका क्या लिखते हैं अब इसका तीसरा नंबर देखिए लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देकर लोग दोस्ती करने के लिए एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं ठीक है ये इसका आ, आंसर है अब आगे देखो अब इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर ठीक है दोस्तों दूसरा नंबर देखिए देखिए इसमें दो होते हैं दो गद्यांश होते हैं तो आप चाहे ये वाला करो हाँ अच्छा अथवा में करके दिया होता ये वाला करो ठीक है दोनों में से कोई एक कर सकते हो अब हम चलते हैं पद्यांश में आ जाते हैं पद्यांश में आपको क्या क्या लिखना है इसमें देखो पद्यांश में भी दो पद्यांश रहेंगे आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो तो दिए गए पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए आपको एक उत्तर इसका देना है एक उत्तर इसका देना है एक उत्तर इसका देना है तीनों का देना है तो पहले में इस पद्यांश का पद्यांश का संदर्भ लिखिए दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तीसरे में उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये लिखना है ठीक है तो देखिए पहले पद्यांश में हम क्या करते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ठीक है हिंदी के काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया इसके लेखक सूरदास जी हैं ठीक है कौन है दोस्तों सूरदास जी हैं ठीक फिर देखो प्रश्नोत्तर संख्या अब देखो दूसरा ये दूसरे का दूसरा ये वाला ये वाला मतलब व्याख्या करना है तो इस गद्यांश का इस गद्यांश की व्याख्या करना है दोस्तों तो इसकी व्याख्या क्या है चरण कमल इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहुत व्यक्ति सुनते सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है ठीक है किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है ठीक है तो इस तरीके से इसकी व्याख्या हो गई अगला दोस्तों उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार ही ये पूछा है तो देखो उपर्युक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है कौन सा अलंकार है दोस्तों रूपक अलंकार है अब देखो यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न भी सॉल्व कर दिया गया है यानी ये जो प्रश्न है सुनी सुंदर बैन सुधारे रसाने ये भी सॉल्व कर दिया गया है दोस्तों इसमें क्या क्या लिखना है इसमें भी संदर्भ व्याख्या करना है संदर्भ लिखना व्याख्या करना है और ये लिखना है अलंकार बताना है ठीक है तो अथवा वाला भी प्रश्न सॉल्व कर दिया गया है तो इसमें देखो इसमें अथवा में संदर्भ ये लिखा हुआ है इसका तो आप दोनों में से एक ही करना है दोनों नहीं करना ये तो हम आपके ज्ञान के लिए बता दे रहे हैं एक ही करना है आपको ठीक है अब चलिए आपको आ, यहां पे तीसरे प्रश्न की ओर ले चलते हैं अब ठीक है जरा ध्यान देना दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में ये है हमारा दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए तो दोस्तों देखो यहाँ पे दो अनुवाद दिया होता है एक ये दिया होगा और एक ये दिया होगा दोनों में से एक का अनुवाद करना है ठीक है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्त केंद्र स्थलम अस्ति इत इत एवं संस्कृतवाण ममप संस्कृत आलोक सर्व प्रस्तुत दारा दाराशिखो अन्नागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्र अध्ययनम अक्रोत सचे साम ज्ञानेयम तथा प्रभावित अभवतम यत तेन उपनिषदाम अनुदारम पारसी भाष्याम कारित्य ठीक है तो ये रहा अब देखो इसमें दोनों में से एक करना ही है तो यहाँ पर हम जो है ये वाला कर रहे हैं ठीक है ना ये नहीं कर रहे हैं हम ये करें मानव जीवन तो यहाँ देखो यहाँ पे इसका हिंदी में अनुपात क्या है मानव जीवन को सांवरना दो सहित को दूर करना संस्कृत है हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृत है इतना आपको लिखना है ठीक है अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों तो चौथे प्रश्न में आ जाता है अपनी पाठ्य काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए तो यहां पे एक का उत्तर दीजिए मुक्ति दूत काव्य जो भी आप के मार्केट में चलता हो उसका उत्तर दे दीजिए ठीक है चलिए अब देखो यहां पे पहले ये चौथा नंबर कर लेते हैं चौथे नंबर में क्या करना है दिए गए संस्कृत जरा ध्यान देना संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए ठीक है इसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला नहीं करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे ठीक है सर्वे सर्वे संतु निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कशिद दुख भा तो यहां पे आपका इसका संदर्भ लिखना है देखो ये संदर्भ क्या है जरा ध्यान देते हैं दोस्तों प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के अनिवार्य संस्कृत के भारतीय संस्कृत से लिया गया है ठीक है अनुवाद सब सुशी सुसी यानी सब खुशी हो यहाँ पे खुशी होना चाहिए सब रोग रहित तो हो और सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो कोई भी दुख ना हो अर्थात कोई भी दुख का मार्ग भागी ना बने तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं अब आ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर ठीक है पांचवे नंबर में आ जाते हैं और पांचवे नंबर का यहां पे पूरा सल्यूशन लिखा हुआ है आ, देखो अपने पठित पाठ के आधार पर प्रश्नों में एक का उत्तर दीजिए देखिए यहां पर एक का उत्तर दिया है द्वारिकापुरी ठीक है द्वारिकापुरी ये इसमें न, कौन सा देखो दोस्तों यहां पर पांचवें का ये वाला जो है ना ये दिया गया इन दोनों को सॉल्व करना है क वाला ठीक है तो यहाँ पे देखो मैंने क का, का पहला भी सॉल्व किया है इसको आप देख लेना ठीक है और यहाँ पे फिर पांचवें का ख का भी दूसरा सॉल्व किया है ठीक ये ऐसे सॉल्व हुआ है तो इस तरीके से कर सकते हैं अब देखिए इस तरीके से मैंने तो यहाँ पे सारी चीजों को सॉल्व करा गया है दोस्तों ठीक है बट आपको एक ही सॉल्व करना है यहां पे देखो सभी पांच का घ मतलब ये सारी चीजें ये जो है ना ये सब सॉल्व कर दिया गया है आपको इसमें से एक ही सॉल्व करना है पांचवें में से ठीक है अब देखो आगे चलते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जरा ध्यान देना दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे छठवें नंबर में क्वेश्चन सिक्स देखो इसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं अब हम पहुंचेंगे छः नंबर देखो छः नंबर की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर दोस्तों देखिये करा है दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखो या जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो यहां पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखा हुआ है ठीक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय ठीक आचार्य जी का जन्म चार अक्टूबर अठारह सौ में हुआ था बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनके पिता चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानून गोथे था राम ठीक है रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की उसके बाद इन्होंने गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी इंटर की परीक्षा के लिए का, काव्यस्थ पाठशाला इलाहाबाद प्रवेश लिया किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा में पूर्व ही विद्यालय छूट गया उन्होंने कई सारी नौकरियों की 12 फरवरी उन्नीस में इनका निधन हो गया तो ये सब इनकी रचना है रचना चिंतामढ़ी ठीक है उसके बाद उसके बाद नंबर का जो ख है दोस्तों इसमें देखो क्या है जरा ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन छः नंबर के ख में इसमें से भी आपको एक परिचय लिखना है चाहे गोस्वामी तुलसीदास इनमें से किसी एक का दे दिए ठीक है तो यहां पर देखिए किसी एक का यहाँ पे ख नंबर नंदन पंत का दिया गया है सूरदास का ठीक है सूरदास यानी तीसरे नंबर महाकवि सूरदास का, का यहाँ पे जीवन परिचय आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके पढ़ाई कर लीजिए फिर चलते हैं दोस्तों सातवें नंबर में सातवें नंबर में यहाँ पे अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में पत्र में न आया हो एक श्लोक लिखना है दोस्तों श्लोक देखो ये लिख दिया है श्लोक ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अब श्लोक भी हो गया अब आ जाइए इसमें निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए तो दो प्रश्न में से यहाँ पे दो प्रश्न देखिए दिया गया है पहला नंबर और चौथा नंबर ये और ये ठीक है इसका उत्तर यहाँ पे कॉपी में लिखा है स्क्रीन शॉट लेके आप देख सकते हैं फिर आगे का नौ नंबर ठीक है पर्यावरण निबंध लिखना है याद रखना नौ नंबर का होता है दोस्तों नौ नंबर का इसको कम से कम तीन पेज लिखना निबंध ठीक है कितने पेज लिखना है तीन पेज लिखना अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा तो दोस्तों जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम